अब ऐसा आदमी का घर है और अगर ठीक ना रहे तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा है उन लोग को समय नहीं मिलता। वो सब मैं ही करता हूँ, खाना पीना मैं बनाता हूँ, उन लोग को अपने हाथ से खिलाता हूँ। वैसे आपकी बात होती रहती है? बात तो होती रहती है। वैसे एक बार वो आई थी तो देखा था मैंने। तो गाइस मैं इस टाइम प्रियंका चोपड़ा के घर के अंदर हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो तो ये पूरा उनका मकान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भाई दोस्त। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस सितारा है उसके घर पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ बरेली में और बरेली में की रहने वाली हैं, इसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा मतलब होम टाउन उनका बरेली का है, तो मैं बरेली में ही रहता हूँ, तो मैं आज उनका घर दिखाऊंगा अंदर, अगर पॉसिबल हुआ तो उनके अंदर भी, घर के अंदर भी जाऊंगा। तो गाइस उनके कितने मकान हैं यहाँ पर और उन्होंने कहाँ से स्टडी की है और उनके मतलब पापा का हॉस्पिटल कौन सा था, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस इस वीडियो में बने रही है। मैं इस वीडियो में सारा कुछ जितना कवर होगा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं प्रियंका चोपड़ा जी के घर पे, और ये इधर रोड है जिससे काफ़ी सारी सवारी जाती रहती हैं, और मैं आपको दिखाऊं तो ये इधर है उनका घर, जो कि फाइनली आप देख सकते हो। ये मैं रोड के इस साइड में हूँ, जाकर उस साइड दिखाता हूँ आपको कैसा क्या रहता है, क्योंकि मैं भी एक्चुअली यहाँ पर पहली बार आया हूँ और रहता हूँ बरेली में हूँ, और फिर भी मैं यहाँ पर नहीं आता हूँ, बहुत कम इधर आना जाना रहता है, थोड़ा आउटसाइड पड़ता है हमारे लिए। गाइस चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं प्रियंका चोपड़ा का घर। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस मैं आ चुका हूँ प्रियंका चोपड़ा के घर पे जहाँ पर ये बना हुआ है इनका घर, और मैं वहीं सामने आ चुका हूँ। ये है उनका गेट जहाँ पर ये लगा, तो गेट ये लगा हुआ है, उनका घर की कोठी ये ऊपर है कुछ इस तरह से है, और ये कुछ फुलवारी है जो कि काफ़ी सूख चुकी है, मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही है, और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। यहाँ पर अभी तो कोई रहता नहीं है फिलहाल, यहाँ पे कोई मिलता है मैं उनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ इसके बारे में कैसे क्या है, और जो तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से सीन दिखाता हूँ कैसा क्या सीन है। तो गाइस मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पूरा इनका सब कुछ लिखा है, इनके पापा का नाम, इनके माता जी का नाम। ये पापा ना अशोक चोपड़ा थे जो कि एक डॉक्टर थे आर्मी में, और इनकी माता भी एक डॉक्टर थी, और इनका पूरा ये लिखा कस्तूरी हॉस्पिटल जो कि इनका, ये सामने मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये सामने इनका हॉस्पिटल था, और इसी हॉस्पिटल में इनके पापा जो थे वो मतलब डॉक्टरी मतलब डॉक्टर के बेस पर वर्क करते थे और अपने हॉस्पिटल में वर्क करते थे। तो गाइस यही है प्रियंका चोपड़ा जी का घर। तो गाइस मुझे कोई अंकल मिलेंगे उनसे मैं इसके बारे में थोड़ा पूछताछ करूँगा। तो गाइस वीडियो देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ही है प्रियंका चोपड़ा घर, और इधर ये बोर्ड लगा हुआ है, इससे पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगा। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को। तो गाइस मैं अभी प्रियंका चोपड़ा जी के घर पे आ गया हूँ, तो उनके जो गार्ड हैं मतलब जो यहाँ रहते हैं उनसे मेरी बात हो पाई है, तो उनसे मैं पूछता हूँ। अंकल जी आपका नाम क्या है? परमेश्वर पांडे। अंकल जी का परमेश्वर पांडे नाम है, और आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? वो तो 20 साल करीब हो गया मेरा। अच्छा, अंकल जी को कम से कम 20 साल हो गए, तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, और तो मैं इनसे मालूम करूँगा कि प्रियंका चोपड़ा जी यहाँ कब से नहीं आई हैं, और अभी 2-3 साल से नहीं आई हैं। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा जी 2-3 साल से नहीं आई हैं, और अंकल जी जब आती हैं तो कितना क्राउड रहता है यहाँ पे? हैं मतलब कितना लोग भीड़ लगा लेते हैं? अरे उनके आने से तो भीड़ को पुलिस संभाल नहीं सकेगी, लेकिन पता नहीं चलने देते हैं ना आते हैं इसको। अच्छा अच्छा, और चुपके सा बोले रहते हैं और अचानक आ जाते हैं, अपना जो जितने देर रहने की इच्छा हुई रहे उसके बाद अपना चल जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो भीड़ को संभालेगा कौन? सही बात। जैसे कि अंकल जी आप यहाँ रहते, तो आप मतलब कहाँ के रहने वाले? रहने वाले तो देखो अब मैं तो झारखंड का हूँ। अच्छा, हाँ रांची का, मगर अब तो यहाँ से जब इतना दिन रह गया तब यहीं का हो गया। अच्छा अच्छा। अब अंकल जी यहाँ यहीं के मानते हैं कि हम यहीं के हैं, तो जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जी के यहाँ मतलब ये रहते हैं, तो अंकल जी जब वो आती हैं तो आप मतलब खाना वाना जैसे? वो सब मैं ही करता हूँ, खाना पीना मैं बनाता हूँ, उन लोग को अपने हाथ से खिलाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और बनाते भी हैं, और जब वो आती हैं तो मतलब उन्हें पता नहीं लगने से कोई बरेली वालों को आई है या नहीं? बहुत कम पता चलता है, किसी किसी को अगर पता चल गया तो, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता है। आप बता सकते हो कि कब आने वाली हैं? नहीं इतना तो बताना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, वैसे आपकी बात होती रहती है? बात तो होती रहती है। अच्छा अच्छा, और अब कब आएंगे उन लोग का अपना प्लान है, अपना नियम है, अब उन लोग कब आते हैं क्या करते हैं उसको, आने जाने की बात तो वही लोग जानेंगे। अच्छा अच्छा, उसको बताना संभव नहीं। जैसे अंकल जैसे उनकी शादी हुई थी मिक जॉन से, तो वो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हुई थी ना? हाँ हुई थी।
अच्छा, तो यहाँ पे मतलब डेकोरेशन हुई, तो मतलब कोई आया था परिवार का कोई यहाँ पे? नहीं, परिवार का कोई नहीं आया। उन लोग अब परिवार का तो शादी हो रही है वहाँ उम्मेद भवन में है राजस्थान में, तो यहाँ कौन आए? अच्छा अच्छा, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट सजवाए थे। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी इसकी डेंडी पेंटिंग वगैरह कब से नहीं हुई? हाँ, ये तो अब 5-6 साल हो गया, अब इस बार कराना है। अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने बोल रखा है हाँ कि डेंडी पेंटिंग करवा दो, क्योंकि काफ़ी पुराना लगने लगा है। तो हाँ, पुराना लगने लगा है, तो देखने में थोड़ा बुरा लगता है। अब ऐसा आदमी का घर है और अगर ठीक ना रहे तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा है उन लोग को समय नहीं मिलता है, और उन लोग के मन में एक बात उठ जानी है, अगर उनके मन में हो गया कि अभी इसको ऐसे कराना है तो उसको तुरंत कराएंगे। हाँ। और मन में जब तक नहीं आया भूले रहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा तो बहुत सारा उनका है, तो इसको कौन उतना तवज्जो देता है। तो अंकल जी, उनके कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ तो एक ही है मुझे पता, अगर और कहीं होगा तो मुझे पता नहीं। अच्छा, तो मगर दूसरे जगह में और है। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं ये भी उन्हीं का ही है? नहीं था, अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब पहले ही उनके पापा बैठते थे यहाँ? अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक दूल्हा मजार के पास जो है कस्तूरी नर्सिंग होम, वो भी उन लोग का था। अच्छा अच्छा अच्छा, और उन्हें जो यहाँ से दो स्कूलों से पढ़ाई की है ना उन्होंने, सेंट मारिया और आर्मी स्कूल से, वो यूएसए भी पढ़ के आई थी। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि अजय उन्हीं का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे वो बैठते थे आर्मी में? कौन बैठते थे फिर यहाँ पर? उन लोग के कई डॉक्टर बैठते थे ना। अच्छा अच्छा, उस तो समय इतनी भीड़ हो जाती थी कि वहाँ हॉस्पिटल भर में माने मरीज नहीं रहते थे, घर के अंदर रखना मतलब। अच्छा अच्छा, तो थैंक यू अंकल जी, आपने इतना सब कुछ बताया तो उसके लिए थैंक यू। जय मैंने इस साइड से आपको पूरा दिखा दिया, अब मैं आपको इस साइड से दिखा दूँ, काफ़ी लंबा मतलब काफ़ी दूर तक बना हुआ है, जैसा कि मैं आप दिखा पा रहा हूँ, तो आपको चलिए मैं आपको पीछे से इसके दिखाता हूँ कितना लंबा बना हुआ है। और एक गेट यहाँ पे एक और भी है, जिससे मतलब एक ये मेन गेट है, एक सेकेंडरी गेट है, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये लंबी सी एक गली गई है, उस साइड में मैं आ चुका हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये काली पन्नी लगा रखी है उन्होंने, पता नहीं क्यों, मतलब अंदर सामान वामान होगा इसलिए मतलब लगा रखी है, और इधर भी काली पन्नी लगा रखी है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये सेकेंडरी गेट है जो कि आप देख पा रहे हो, आई होप ये देखिए खुला हुआ है, बट अंदर से इसमें ताला लगा हुआ है, तो अंदर से ताला लगा दिया गया है, बट पूरा आप एक बार व्यू देख लीजिए इस साइड से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये अभी पेंटिंग वगैरह इस पर हुई नहीं है काफ़ी दिन से, क्योंकि बहुत दिन से वो यहाँ पर आई नहीं है, और आप ये व्यू देख पाइए क्योंकि काफ़ी लंबा है, आप देख पा रहे हो। तो गाइस ये देखिए इस साइड से आप देख लीजिए, और यही उनका मकान है, और वो वहाँ तक खूब दूर तक बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो कुछ सीन कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये इधर काफ़ी दूर तक ये कॉलोनी बनी हुई है जिसकी आप देख पा रहे हो, ये काफ़ी लंबी कॉलोनी बनी हुई है। और मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो प्रियंका चोपड़ा जी का घर है, और उनकी काफ़ी अच्छा है आलीशान, और इधर उनके पापा हॉस्पिटल चलाते थे जो कि आप देख पा रहे हो, मतलब इसका नाम चेंज हो गया, पहले उनका था कस्तूरी अस्पताल, तो उसका नाम चेंज करके नर्सिंग जैन नर्सिंग होम रख दिया गया है, जो कि अब चेंज हो चुका है क्योंकि बिक चुका है, उन्होंने अपना नाम रख लिया है। तो गाइस यही है उनका हॉस्पिटल, उनके पापा का अशोक चोपड़ा का। तो गाइस वीडियो में और कुछ दिखाता हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जैसे कि आप यहाँ पे प्रॉपर रहने वाले हो? हाँ। अच्छा, कब से रह रहे हो आप? मतलब आप बचपन से ही रह रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो आपकी ये शॉप है जी। तो मतलब जैसे कि जब प्रियंका चोपड़ा जब यहाँ थी, तब से मतलब आपने देखा है उन्हें? असल में मेरी एज तो कम है, उनकी एज ज़्यादा है, तो मैं छोटा था। अच्छा अच्छा, तो जो है वैसे एक बार वो आई थी तो देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है कभी बाय चांस मतलब आई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो ऐसा है ना यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है, जो गार्ड है वो ही रहते हैं केवल, और तो कोई आता जाता नहीं। अच्छा है। अच्छा अच्छा, जैसे कि गार्ड वगैरह रहते हैं मतलब और भी नहीं रहता है, तो इसकी डेंटी पेंटिंग अब तो मतलब पता नहीं कब आए वो। हाँ, वो जो भी है जब भी आएंगी तभी होगा, क्योंकि उससे पहले तो गार्ड तो अपनी मर्जी से करा नहीं सकता है ना। अच्छा अच्छा, वैसे अभी इस टाइम इसमें घर में रहता कोई नहीं है? तो इनके घर दो हैं, एक है यही वाला है। मैंने सुना कि यहाँ पे दो घर हैं उनके, और उस साइड वाला भी, इस साइड वाला भी यही वाला है, ये पूरा पीछे तक है। अच्छा अच्छा, काफ़ी बड़ा घर। और उनके कब से नहीं आई वो यहाँ? लगभग मान लीजिए 8-10 साल। अच्छा, कब से वो नहीं आई है? मतलब उनके परिवार का कोई भी नहीं है? अब परिवार का कोई आता है तो उतना पता नहीं लग पाती है, क्योंकि रात में अगर कोई आया तो पता कहाँ लग पाती। तो गाइस मैं आपको बैक करने से ये मकान आपको दिखा रहा हूँ प्रियंका चोपड़ा जी का, जो कि आप देख पा रहे हो,
मैं आपको सारा कुछ वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो को एंजॉय लीजिए और आप वीडियो देखते रहिए। आपकी साइकिल वगैरह है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो अंदर ये उन्होंने ही पेंटिंग वगैरह लगाई है ना? हाँ। अच्छा, और इधर भी मतलब उन्होंने उनका बोर्ड लगा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा बना हुआ है अंदर से, मतलब थोड़ा पुराना हो चुका है क्या? हाँ, अब तो पुराना है। अच्छा अच्छा, तो प्रियंका चोपड़ा जी इसमें मतलब बैठे थे? नहीं, इसमें तो कम से कम बैठे थे। अच्छा, और ये मतलब उनके अंदर का ये और ये तो साधारण आदमी, ये तो बहुत नॉर्मल है ना उनके लिए, साधारण आदमी तो ये सब हमारे लायक का है। अच्छा अच्छा, तो अंकल ये पन्नी क्यों लगा रखी है हमने? वो धूल वूल आ जाती है इसके चलते लगाया है, थोड़ा उसमें फाइबर का लगवाना है। अच्छा अच्छा, पूरा बड़ी फुला हुआ है ना, उसमें धूल पर्दा सब आ जाती है, इसलिए उसको बंद कराना है। तो गाइस मैं इस टाइम प्रियंका चोपड़ा के घर के अंदर हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये पूरा उनका मकान है अंदर से, और ये अंदर से काफ़ी अच्छा है, बट ये है इसकी जो पेंटिंग वगैरह है वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे पीछे जो पेंटिंग लगी हुई है प्रियंका चोपड़ा जी ने लगाई है ये वाली पेंटिंग, और मैंने आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा मकान है ये अंदर से बना हुआ, और मैं आपको दिखाऊंगा ये अंदर के लिए मतलब उनका हो गया हुआ है गली हुई, और इसमें काफ़ी, और एक दूसरा गेट है जो कि सेकेंडरी गेट बोल सकते हो उसे, और इसे यूज़ करके आप अंदर से जा सकते हो। जस्ट मैं आप दिखा सकता हूँ, ये है और ये गेट है अंदर से, और ये सेकेंडरी गेट है। मैंने आपको बाहर से भी दिखाऊंगा और अंदर से भी दिखा रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इनके घर के अंदर आ चुका हूँ, और ये ऊपर देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा है व्यू, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस, और यहाँ कहीं पे मतलब प्रियंका चोपड़ा जी आती हैं जब, तो यहाँ पे अपने घर में होके आती हैं, तो उन्होंने बोर्ड रखा है कि इसकी जल्दी ही डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। तो ये उनका मतलब ताला लगा हुआ है, खुला हुआ है, आप सपोज देख सकते हो। ये अंदर का भी अंदर एक गेट लगा हुआ है, और फिलहाल मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि उन्होंने बोल रखा है ज़्यादा मतलब अंदर जाना नहीं। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, और ये इधर खिड़की वगैरह लगी हुई है, इधर बोर्ड लगे हुए हैं, और आप देख सकते हो गाइस। तो मैं इस घर का अंदर का व्यू बस इतना ही, और आपको बाहर से दिखाऊंगा। तो गाइस मतलब यही है उनका मकान, और जैसा कि आपने देखा होगा पूरा, आई होप पूरा एंजॉय लिया होगा। तो मैंने जितना हो सका मेरे से मैंने उतना इस वीडियो में कवर किया है, तो ऐसी वीडियो मैं और लाता रहूँगा। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।